समाधान है 29 तारीख ने आ रहा है मोटा भाई गृह मंत्री अमित शाह, समझ गए। 29 जनवरी ने गोवाना आवे मोटा भाई, उस मोटे भाई का स्वागत तो सरपंचों से होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अरे बोल लो, स्वागत होना चाहिए ना। तो सीएम साहब तमनु का आप कोई जरूरत नहीं आदमी इकट्ठे करने की, इतनी समस्या हो रही है लोगों का। गणित मैं कहता हूँ ना, 10-20 हजार आदमी मैं इकट्ठे कर दूंगा भाई। ये सीआईडी वाले पुलिस वाले बता दियो सीएम साहब ने, भाई हम कर देंगे, एक आदमी इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। मोटा भाई आ रहा है 29 तारीख ना, हर न्यू देखना चाहिए, बाकी सलाह मिलाएगा अपना, जो फैसला करना कर लियो, लेकिन मोटे भाई का स्वागत होना चाहिए बढ़िया। हर वो स्वागत अति बढ़िया, इस तो बढ़िया कोई समाधान नहीं है, मैं तरते बताऊ। बिल्कुल आद पा उतर रहे बेशर्मी के, इनके मंत्री छोरी छेड़े उसने नहीं, उस दो झंडा फरवाणी गए हैं, बताओ उसने हटाते नहीं। कितने लोग परेशान है, किसान का बकस दो, कट्टर साहब किसान का बकस दे, लेकिन यो नहीं बक्सा किसान है। तो जब ये नहीं बक्सा तुम भी क्यों बक्सा भाई, सीधी बात है। जितना बांगड़ी सरकार का दिया जाएगा उतना माल मिलेगा, उतने विकास के काम हो सकेंगे। अरे भाई कोई डर लगता हो किसान है, और जो इनकी जय बोलता हो उसने नहीं मिलना कुछ। तो मेरा तो यह बात आइडिया गलत है, ठीक है मोटे भाई का स्वागत होना चाहिए ना, मोटे भाई का स्वागत हो गया तो सारा काम अपने आप हो जाए, जरूरत नहीं। पूरे हरियाणा के सरपंचा ने और पार्षदा ने नुगा भाई उड़ा, खट्टर साहब तो करेगा रैली, आप रेला कर देंगे, ये प्रॉब्लम है। हाँ ब्लॉक समिति वाले पार्षद सरपंच इसके हाथ में थोड़ी है कि मैं देंगे थोड़ी है, पंचायती राज की अथॉरिटी आओगी भाई, जितनी भी पंचायती राज की अथॉरिटी हैं, अगर सारी की सारी उड़ा पहुंच गई और अनाउंसमेंट करो, पूरे हरियाणा का अनाउंसमेंट करो अलग अलग जगह पे, कोई जरूरत नहीं है खट्टर साहब ने रैली करने की, हम रेला करेंगे। अरे भाई मारे बारी बात मान ली तो भाई फूल दे देंगे, अरे ना तो भाई जूते दे देंगे, जूते तो पहनने पड़ेंगे ना, गड्ढे में जूते तो पहनने पड़ेंगे। तो इसलिए और कोई समाधान नहीं है ना, ये क्यों करे मानना है, ये जब मैं मानना है भाई अपनी लड़ाई है, आपने लड़नी पड़ेगी। आप लोग इसलिए बधाई के पत्र होगा, आप गांव के लोगों की गांव के विकास कार्य के लिए लड़ाई लड़ रहे हो भाई। यो जो मंत्री है या बबली, इसने न्यू नहीं बेरा है, सारे सरपंच बबले है, बबली को ना अरे एक रुपया दिया को ना, बेईमान बनान लाग रहे हैं, वो रुपया मिल रहा है कोई भी मिल रहा है? अरे सारे चोर ना, अरे खुद ने मुख्यमंत्री का मैंने बयान सुना, मुख्यमंत्री बेरा के गए है, बोला हम ये इसलिए काम कर रहे हैं, बोला सरपंचों की बोला छवि सुधर जा, अपनी तो सुधार ले, अपने मंत्रियां ही सुधार ले, अपनी सरकार की सुधार ले। ये जो सरपंच बन रहे हैं, पार्षद बन रहे हैं, ये सारे के सारे इन्हें घोषित कर दिए बेईमान, या सरकार ये मंत्री ये सारे राजा हरिश्चंद्र, ये सारे के सारे न्यू सोच रहे हैं अक्तम राजा हरिश्चंद्र है और सरपंच है बेईमान है। अरे क्या मैं देता दो पहले पाछे कही हो, 2 साल था भाई, मैं तुमने बताऊं ये रुपये खा गए काम मांगे, 2 साल का हिसाब लियो इंदौर है। राम राम पंडित जी, जय जितने भी हैं 2 साल के दौरान है सारे के गड़बड़ हो रही है कि नहीं हो रही है? 2 साल की तुमने बेरा हुआ बताओ, भाई एक बार सुनिए भाई, इनकी बात सुनिए भाई, क्या कहे हैं 2 साल के भी रुपये खा रखे हैं, उन 2 साल का भी हिसाब लेना है, वह कमीन में काटे हैं, वह नुका है इन्हें तो मिलना ही नहीं है क्या मैं तो भाई फिर नुका है अगला रिकॉल करेंगे, जब पढ़ाई की बात आवे नुका ये पढ़े होने चाहिए भाई, होने चाहिए। हरा शिक्षा मंत्री 10वीं फेल ला रखे तुमने, सरपंच नहीं है तुमने BA पास, सारी चीज नुका रिकॉल करेंगे, रिकॉल सब तो पहले तो मुख्यमंत्री होनी चाहिए होनी चाहिए भाई। आजकल वोट करवाने की जरूरत ना, डिजिटल जमाना है, एक ऑनलाइन सर्वे करवा ले, बेरा पट जाएगा,
उसमें के लग गए ये करवा के देखे रिकॉल, इनके मंत्रियों का रिकॉल करवा के देख लो, इनके एमएलए का एमपी का किस्सा करवा के देख लो, बने हाथ नहीं है पहला उनना बोला ये चोर से है, बेईमान है, गुंडे हैं, ये इनकी चल रही तो भाई हम तेन गए गाम गए हमारे गांव का मान सम्मान स्वाभिमान हो सरपंच इतना मुख्यमंत्री के घर सा पानी ओका पानी ना लगता हुआ सरपंच ने घर पहना पड़ा है अगर नहीं पहना पड़ता दुनिया भर के समझौते करो कोर्ट है फालतू समझौते सरपंच ने पंचायत में जाना पड़े इनने बेरा ही नहीं बताना तब मैं तो जितने भी नए सरपंच हैं पार्षद हैं मैं इसके ऊपर मैंने कई साल पहले जब मैं यूनिवर्सिटी में आ रहा था जब काम करा था सरपंचों को पार्षदों को पूरी पावर मिलनी चाहिए। पावर का मतलब पावर है सुपरवाइजर ना है सरपंच है आखिर नन्नू सोचा साइन साइन मरवाने है सरपंच का मतलब सरपंच होगा सीएम होगा मगा तो एक तो बात ये करो हमने पूरी पावर दो हमारी ग्राम सभा ने पारो दो हम तय करेंगे कोई अधिकारी बैठ के तय नहीं करेगा गांव में क्या होगा क्या नहीं होगा सरपंच तय करेगा अपने गांव वाले गले बैठ के ये नुका है भाई 2 लाख रुपए में लैट्रिन बाथरूम भी बन जाएगा है एक बात का और ध्यान करो ये जो सरपंच होता हम अपने ताई कोना मांग रहे रहती है गांव के विकास ताई मांग रहे हो गांव का भला हो जा अरे सरकार तो भी हम यहाँ का है अपने घर कोना ले जाने 2 लाख रुपये सरपंच ने जो ये कहे है हमने पैसे दे दो या इसलिए कही जा है गांव का विकास हो जाए गांव में के मैं करवा दे और सारे चोर ना यार भाई कोई गड़बड़ करे थर दरीसा सिस्टम में गेर दो जेल में भाई कोई गड़बड़ करे है उसने जेल में गेर दो खून नट है खाड़ बाटे का सारा ने क्या चोर बताओ हो तो भाई गणा मैं बताऊं ये सरकार का सोता है जो क्या डरावेगी तुमने जय डर के जाता हम ठीक और ना तो फिर ये डर जाएंगे सिंपल है ना ये तुमने डरावेंगे अग नहीं मान ये करें ये तो ये है वो इनकी बात मानने की कोई जरूरत नहीं है लड़े तो ये बात बनेगी गांव के लिए लड़ रहे हो आप अपने लिए नहीं लड़ रहे हो कति आपका कोई स्वार्थ नहीं इसमें गांव के काम ना करवाओगे थारे लगते नहीं पड़े गांव वाले इस बारी पहले गांव वाला ने बताओ अपने गांव वाला ने नो बताओ मारे हाथ पल्ला कुछ ना आए रुपये दे ये इसलिए मैं इस बात पे ज्यादा फोकस करो आ गांव का विकास रोकना चाहे सरकार गांव वाला ने देना नहीं चाहती कि मैं और कुछ नहीं 2 साल का इनका खा गए उसकी जांच पड़ताल होनी चाहिए किसने खाए बे रुपये दो साथियों जितने भी